बुक आपको याद होगा, हैरल्ड पर्सिवाल जी ने लिखी और उन्होंने अपने जीवन के 30 साल लगा दिए इस किताब को लिखने में। वैसे तो फ्रेंड्स, लर्निंग का कोई अंत नहीं है। आप 4 कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और आप देखेंगे एक विशाल समुद्र आपके आगे और है। ये आप 3 पार्ट्स हैं। अब ये जो आपका जो डुअर है ना, वो तो धरती में फंस गया। उसको लगता, अब उसको क्या लगता है, डुअर भूल गया कि मैं डुअर हूँ। कि आपके घर में एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा है, नेचर का बहुत अच्छा है, स्वभाव का बहुत अच्छा है, सभी के साथ हंस के बात करता है और सभी के प्रति अच्छे अच्छे भाव भी रखता है, लेकिन उसके साथ गलत 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 होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक को कवर कर रहे हैं। आइए इसका थोड़ा सा रीकैप देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बुक आपको याद होगा, हैरल्ड पर्सिवाल जी ने लिखी और उन्होंने अपने जीवन के 30 साल लगा दिए इस किताब को लिखने में। और इसको लिखने में वो किस सोर्स के साथ कनेक्ट करते थे हम नहीं जानते, किस इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करते थे हम नहीं जानते। वो ट्रांस की स्टेट में नहीं जाते थे, कोई उनको डिक्टेट नहीं करता था, चैनलिंग नहीं हो रही होती थी, बस ज्ञान का प्रकाश, जिसे बोलते हैं ना फ्रेंड्स कि ज्ञान का कमल खिल जाना, उसी तरह से पर्सिवाल जी ने इस इतनी सुंदर, इतनी अमेजिंग बुक को लिखा है। इसको समझ लें हम तो मुझे लगता है कि हमने काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया। वैसे तो फ्रेंड्स, लर्निंग का कोई अंत नहीं है। आप 4 कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और आप देखेंगे एक विशाल समुद्र आपके आगे और है। लेकिन ये तो एक जर्नी है फ्रेंड्स, हम सब ने आगे निरंतर आगे बढ़ते ही जाना है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, हमारे थॉट के ऊपर है। अब फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं, हम सब लोग ये सुन चुके हैं कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, थॉट्स को पॉजिटिव रखो, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इससे होता क्या है। हम इस किताब का टाइटल देखें फ्रेंड्स, इस किताब का टाइटल है थिंकिंग एंड डेस्टिनी, विचार, अगर हम इसको हिंदी में देखें तो विचार और हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत, हमारी नियति। तो आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं विचार और नियति, कितना सुंदर टाइटल है। लेकिन क्या हम ये बात मानते हैं, क्या हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि हमारे विचारों से ही हमारी नियति बनती है, हमारी किस्मत हम खुद ही रचते हैं अपने इन विचारों से। क्या हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं डियर फ्रेंड्स? क्यों हम इस बात को नहीं मान पाते कि हमारे विचारों से हमारी नियति बनती है, हमारी थिंकिंग से हमारी डेस्टिनी बनती है, हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाते? इसके कुछ कारण हैं। एक तो हमको लगता है कि दुनिया में बहुत इनजस्टिस है, बहुत अन्याय है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो गलत कर रहा है वो तब भी उसके साथ सब अच्छा हो रहा है, जो ठीक कर रहा है उसके साथ कुछ भी तब भी ठीक नहीं हो रहा। तो ये जो धारणा है हमारे मन में, जो विचार है हमारे मन में, ये हमको ऐसा लगता है कि कोई जस्टिस नहीं है, न्याय नाम की चीज़ नहीं है इस दुनिया में, तो कहाँ से हमारी थिंकिंग से डेस्टिनी बन गई। पहला तो हमको ये लगता है फ्रेंड्स, पहला ऑब्जेक्शन हमको ये है लॉ ऑफ थॉट के लिए, थिंकिंग एज डेस्टिनी के लिए। फिर कई लोगों को ये भी लगता है कि क्या थिंकिंग से डेस्टिनी बनेगी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आपका एक ही जन्म है, एक ही जन्म है तो क्या डेस्टिनी बनेगी, जो गया जो बीत गया सो चला गया, अब हमारी उसके बाद मृत्यु हो जानी है, वापस तो आना नहीं है, अब हमारा और जन्म तो हमारे है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे मर्जी विचार रखिए, डेस्टिनी वेस्टिनी क्या, बस यहाँ पर आइए, कुछ पैसा कमाइए, मौज मस्ती कीजिए, चले जाइए इस पृथ्वी को छोड़ के, और उसके बाद दूसरा जन्म तो आपका होना नहीं है। कई लोगों का ये विचार होता है। और कई लोग क्या सोचते हैं कि हम अपने कुछ भी गलत करें, हम कुछ ले देकर उस मामले को ख़त्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो लेना देना है ना, वो आप हो सकता है किसी
ट्रैफिक वाले के साथ कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्स में बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़बरदस्त जस्टिस है। यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता कि आपने 150 रुपये दे दिए किसी को तो आपका, आपने कुछ भी किया, आपने कुछ भी सोचा वो ख़त्म हो जाएगा, या आपने किसी मंदिर में जाकर कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया तो बस वो थॉट वहीं ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता डियर फ्रेंड्स। तो ये कुछ बातें हैं जिससे हमको ऐसा फील होता है कि शायद ये थिंकिंग से कुछ नहीं होता। पल पल एक एक विचार से आपकी नियति बनती है। अब बड़े मज़े की बात है कि बन तो गई, आपने अपना विचार तो, आपने थॉट तो छोड़ दिया, अब ये थॉट कब आएगा आपके सामने, किस समय पर, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये थॉट आपके सामने आता है फ्रेंड्स, ये यूनिवर्स की कई मिस्ट्रीज में से एक है। क्योंकि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने थॉट क्रिएट किया और उसी समय वो प्रकट हो गया आपके सामने, उसी समय वो मैनिफेस्ट हो गया, ऐसे नहीं चलता। आपने थॉट रिलीज कर दिया, आपने विचार अपना अपने रखा, उसके बाद ये विचार अब कब आपके सामने किस रूप में आएगा इसको आप फ्रेंड्स नहीं कह सकते। ये जो हमारा पृथ्वी पर जीवन है ये बहुत मिस्टीरियस है, मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, और कुदरत की, यूनिवर्स की कई मिस्ट्रीज में से ये है कि आपकी ये जो थॉट है ये कब मैनिफेस्ट होगी वो हम नहीं जानते। सो थॉट की मैनिफेस्टेशन में और थॉट अपने रखने में और उसके मैनिफेस्टेशन में गैप होता है, तो इसलिए इंसान भूल जाता है कि उसको ये कभी थॉट था, कि वही रचयिता है अपनी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस का। अच्छा समय, बुरा समय, कोई भी बाहर का व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है, आपकी रिलेशंस बहुत सुंदर हैं, आपको बहुत प्यार करने वाले माता पिता मिले हैं, आपको लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं ग्रो करने की, आपके पास ऐश्वर्य है, कोई कमी नहीं है आपकी लाइफ में, या दूसरे साइड पे आपका एक बीमार शरीर है, आप हमेशा बीमार रहते हैं, पैसे की भी तंगी रहती है, और रिलेशंस भी अच्छी नहीं है, या इनमें से कोई भी एक फैक्टर हो सकता है। ये फ्रेंड्स ये बात समझ लीजिए, ये बात जान लीजिए कि आपने अपने विचारों से ही इस डेस्टिनी को चुना है, अपनी नियति को आपने खुद चुना है, किसी और ने आपके ऊपर आकर इस नियति को इम्पोज नहीं किया है। हमको लगता है कि हम ज्योतिष के पास जाएंगे तो हम वो कुछ रेमेडीज़ बता देंगे, ये कर लो वो कर लो और ये पहन लो वो पहन लो तो हमारा जो बुरा समय है वो निकल जाएगा। फ्रेंड्स ज्योतिष एक शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन ये भी साथ ही साथ आप जान लीजिए कि लॉ ऑफ थॉट को आप पार नहीं पा सकते उससे। लॉ ऑफ थॉट अर्थ में स्पेशली ह्यूमन बींग्स के को इफेक्ट करता है, करता सभी जगह पर है, सभी प्लेन्स में इफेक्ट करता है, लेकिन पर्टिकुलरली अर्थ प्लेन पर लॉ ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो आपकी जो, आप मान लीजिए आप अपने, आप दो दोस्त हैं मान लीजिए, ये लॉ ऑफ थॉट कैसे काम करता है इन दोस्तों पर देखते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं और वो जो दो दोस्त हैं वो दोनों एक पहाड़ पर चढ़ रहे थे, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते एक का पैर फिसल गया और वो धड़ाम जाकर नीचे गिरा, नीचे गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। अब जो एक दोस्त ऊपर रह गया उसने नीचे जाकर खोजबीन करने की कोशिश करी कि मेरा दोस्त कहाँ गया, नीचे जाकर देखता है तो उसको उसका मृत शरीर दिखाई देता है, बहुत दुख से भर जाता है, लेकिन इतने में वो नोटिस करता है कि जहाँ पर उसका दोस्त मरा है वहाँ पर बहुत सारा खजाना दबा पड़ा है, उसी के आसपास खजाना दबा पड़ा है। अब परसिवल जी हमको ये एग्जाम्पल देते हैं और ये बताते हैं कि
जो दोस्त मर गया, एकदम से अचानक से मृत्यु हो गई, वो अपना ये प्लान करके आया था आकस्मिक मृत्यु का। अभी नहीं होती, थोड़ा डिले हो जाती, लेकिन होनी इसी फैशन में थी। क्यों? क्योंकि घर के बाकी सदस्यों को ग्रो करना था, घर के बाकी सदस्यों के लिए कुछ लेसन्स थे जो कि उनको इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद सीखने थे। तो बच्चों को बहुत दिक्कत आ गई, घर में पैसे की तंगी आ गई। क्यों आया ये सब? क्योंकि उन सबको कुछ सीखना था। ये इस व्यक्ति की जिसकी आकस्मिक मृत्यु हुई है, इसकी कहीं ना कहीं थॉट में था। और दूसरी ओर जो दूसरा व्यक्ति है जिसको खजाना नीचे जाकर मिल गया, वो उसको किसी ना किसी फॉर्म में खजाना मिलना ही था। हो सकता है, मान लीजिए वो डर जाता, वो नीचे उतर कर ना आता, तो उसको वो खजाना भी ना दिखता। लेकिन जो उसने अपनी थॉट से अपनी नियति बनाई है अचानक से खजाना मिल जाना, वो किसी ना किसी और फॉर्म में उसके पास आ जाता। अगर यहाँ पर खजाना नहीं मिलता तो कोई लॉटरी जीत लेता, या कोई इनहेरिटेंस, कोई उसके नाम कुछ पैसा कर जाता, कुछ घर या प्रॉपर्टी कर जाता, क्योंकि ये उसको मिलना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है आपके थॉट का इम्पैक्ट। थॉट, अच्छा, बड़े मज़े की बात ये है कि थॉट जो है ना, वो आपके एक जन्म के तक रुकी हुई नहीं है कि आपने इस एक जन्म में थॉट को पैदा किया तो इसी जन्म में ही आपका वो थॉट मैनिफेस्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। आपने थॉट को मैनिफेस्ट, आपने थॉट को बनाया, रिलीज किया, अब ये थॉट घूमती रहेगी। और ये कब मैनिफेस्ट होगी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये आपके इसी जन्म में मैनिफेस्ट हो। कई कई बार हम सुनते हैं ना कि ये तो कितना अच्छा व्यक्ति है, इसके साथ पता नहीं क्यों इतना गलत हो रहा है। हमारे अपने घरों में हमको ये एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं कि आपके घर में एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा है, नेचर का बहुत अच्छा है, स्वभाव का बहुत अच्छा है, सभी के साथ हंस के बात करता है और सभी के प्रति अच्छे भाव भी रखता है, लेकिन उसके साथ गलत होता जा रहा है। तो ये जान लीजिए फ्रेंड्स कि ये जो व्यक्ति है, इसके जो उसने गलत थॉट रखी है, वो पिछले जन्म में रखी थी, इस जन्म में उसने नहीं रखी, लेकिन वो पहले वाले जो थॉट्स थे वो अभी तक बैलेंस नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जान लीजिए, अपनी लाइफ में एक्सीडेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देर आर नो एक्सीडेंट्स, देर इज़ ओनली लर्निंग, केवल सीखने के लिए है। फ्रेंड्स, क्या हमारा एक्सीडेंट होता है तो हम ये भाव ला पाते हैं कि ये तो हमारे लिए लर्निंग है? हम इतने दुख में डूब जाते हैं, विलीन हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं, ये अपने आप से ये सवाल पूछना भूल जाते हैं कि ये मेरा इसमें क्या लर्निंग है। परसिवाल जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि अगर आप सोचने बैठेंगे कि इस एक्सीडेंट में, इस नुकसान में मेरी क्या लर्निंग है, मैंने क्या सीखा है, आपको क्लू ज़रूर मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये हमको अपने पास्ट को खोदने की ज़रूरत नहीं होती। कई लोग होते हैं उनका कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ नुकसान होता है, वो फटाफट से अपना पास्ट लाइफ देखना चाहते हैं, उसके लिए कहीं किसी पर्सन के पास जाने लग जाते हैं। उसमें कोई खराबी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन ना जो बेकार की क्यूरियोसिटी होती है ना, बस जानना है, तो वो हमको नहीं करनी। प्रेजेंट लाइफ में आप हैं और आपको आपका पास्ट नहीं पता है, इसमें भी कुछ आपकी भलाई ही है। आपकी पास्ट लाइफ आपसे स्क्रीन्ड है, इसमें भी कुछ भलाई ही है। जो आपको जानना है आपके गाइड्स जानते हैं, और वो आपको उस चीज़ को, आपको उस और अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको उस डायरेक्शन में गाइड भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सीडेंट्स कुछ नहीं होते, सिर्फ वो लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपका एक्सीडेंट हुआ तो क्या आपने ये सवाल पूछा कि मेरी इसमें क्या लर्निंग है? ये सवाल हम नहीं पूछेंगे तो हम सिर्फ रोते रहेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले पत्री सर का वीडियो भी आया था कि रोने की कोई बात नहीं होती। आपके साथ जितना भी बुरा हो जाए फ्रेंड्स, आपको लगेगा आपके ऊपर जो है पहाड़ टूट पड़े दुखों का, परसिवल सर कहते हैं तब भी वो सिर्फ छोटे छोटे तिनकों की तरह हैं।
आपका जो थॉट है ना उसमें बहुत पावर होती है। तो ये जो आपने मैनिफेस्ट किया, इतनी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की है, ये सिर्फ तिनकों के जैसे है। एम क्या है इसका, इस एक्सीडेंट का एम क्या है? एम फ्रेंड्स इस दुनिया में हर चीज का है, हमें कुछ सिखाना। हमने नहीं सीखा, हम सिर्फ रोते रह गए, तो हमारा जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। जब तक हमें यह समझ ना आ जाए कि अरे मैंने ही कुछ किया है और अब मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, मैं क्रिब नहीं करूँगा, मैं जो मेरे साथ है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्टेंस का भाव जब आ जाता है ना डियर फ्रेंड्स, तो आपका जो थॉट है वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक्सीडेंट जो है, अच्छा एक्सीडेंट हमेशा सिर्फ मिसफॉर्च्यून के का को लेकर नहीं आते हैं। एक्सीडेंट सिर्फ आपके लिए इंजरी हो गया या आपको शरीर में कुछ दर्द तकलीफ हो गया या आपका आपको बहुत भयंकर बीमारी हो गई या आपका नुकसान हो गया फाइनेंशियल, ये सभी एक तरह के एक्सीडेंट्स हैं। लेकिन ये आपकी लाइफ में किस पर्पस से आए हैं? लाइफ में आपके पर्पस से आए हैं कुछ सिखाने के। और हर बार एक्सीडेंट्स फ्रेंड्स बुरी चीज़ नहीं होते। मुझे एक स्टोरी याद है, बचपन में हमने पढ़ी थी। उस स्टोरी में एक राजा का बेटा होता है, उसकी एक उंगली कट जाती है। उंगली कट जाती है, उसको बहुत उसके पिताजी को लगता है कि अरे मेरे बेटे का तो भविष्य बर्बाद हो गया, इतना सुंदर युवराज था, अब एक उंगली कट गई है इसकी। बड़ा घर में दुख हो जाता है, कोई इस बात से ऊपर उभर ही नहीं पाता कि राजकुमार की एक उंगली कट गई है। राजकुमार निकलता है शिकार पर, तो वहाँ पर एक कबीले में उसको पकड़ लेते हैं कि एक सुंदर नौजवान है, इसकी हम बलि देंगे। उस ट्राइब में बलि देने की प्रथा थी, तो कहते हैं कि हम इसकी बलि देंगे। लेकर आए उसको पकड़कर, उसके सब सैनिक वैनिक भी कहीं तितर बितर हो गए। अब लेकर आए तो काटने जा ही रहे थे उसको कि क्या देखते हैं कि उसकी एक उंगली नहीं है। तो उनको लगा अरे ये तो हम अपनी देवी को बलि नहीं चढ़ा सकते। देवी को तो आप पूरा जो शरीर है उसकी बलि चढ़ा सकते हैं हम, ये तो इसका तो अंग कटा हुआ है एक, तो इसकी हम बलि नहीं चढ़ा सकते। तो फ्रेंड्स उस राजकुमार को छोड़ दिया गया। तो जो उसके परिवार को इतना दुख था, इतना एक्सीडेंट लग रहा था उनको कि ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो गया, राजकुमार के साथ बहुत गलत हो गया, उसी इंसिडेंट ने राजकुमार को बचा लिया। सोचिए, तो सभी एक्सीडेंट्स फ्रेंड्स बुरे नहीं होते। कुछ एक्सीडेंट्स बुरा तो कोई भी नहीं होता, लेकिन उनके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पर्पस था? यहाँ पर पर्पस था आपकी प्रोटेक्शन करना, आपका बचाव पर्पस था। उसी और ये भी पर्पस हो सकता है एक एक्सीडेंट का कि आपको फिर से आपका जीवन बच जाए। क्या आपने फ्रेंड्स टाइटैनिक मूवी देखी है, टाइटैनिक का इंसिडेंट सुना है? तो टाइटैनिक जो मूवी थी, जो टाइटैनिक जो डूब गई थी, उसमें एक परिवार था जो जाना चाहता था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो टाइटैनिक पर नहीं चढ़ पाए, जो भी कुछ कारण रहे उनके। तो उनको बड़ा दुख था कि हमने इतने डॉलर्स के हमने टिकट भी खरीदी, हम इतने एक्साइटेड भी थे, बच्चे भी इतने एक्साइटेड थे, ये हमारे साथ क्या हो गया, इतना नुकसान हम कैसे झेलेंगे, हमारी किस्मत ही ख़राब है। ये उस फैमिली का थॉट प्रोसेस चल रहा था डियर फ्रेंड्स। और जब टाइटैनिक डूबी, आप सोच सकते हैं उनका ये थॉट प्रोसेस कैसे बदला होगा। उन्होंने ईश्वर का कितना शुक्रिया अदा किया होगा कि वो सेफ रहे, क्योंकि वो उन्होंने टाइटैनिक पे चढ़ना मिस कर दिया। ऐसा आपने कई केसेस में सुना होगा कि बस उस बस में चढ़ जाता या उस ट्रेन में चढ़ जाता तो मर जाता, एक्सीडेंट हो जाता, बॉम्बिंग हो गई उसकी, जो कुछ भी हुआ। जब फ्रेंड्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे का एक्सीडेंट हुआ था, उस पर हेलीकॉप्टर्स एरोप्लेन्स उस पर अटैक कर गए थे, तो उस मोमेंट पे भी कुछ लोग थे जो जाते जाते ऑफिस रह गए थे। तो ये यहाँ पर एक्सीडेंट का क्या पर्पस है डियर फ्रेंड्स? एक्सीडेंट का पर्पस इस केस में है बचाना, आपकी प्रोटेक्शन। तो एक्सीडेंट्स हमेशा बुरे नहीं होते। और बुरा तो फ्रेंड्स आप लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचेंगे तो एक्सीडेंट्स के लिए सबसे पहले शुक्रिया करना चाहिए। ओशो इतनी सुंदर बात बोलते हैं,
वो कहते हैं अगर आपको इतनी दिक्कत परेशानी ना होती तो आप ध्यान में कहाँ से आते। बिल्कुल सही बात है, अगर आपकी लाइफ पूरा एक हनीमून के जैसे रहती तो ध्यान में कौन ही आता। डियर फ्रेंड्स, बहुत कम लोग आते। आप इतने सुखी, संपन्न, संतुष्ट हों तो ध्यान की तरफ आप नेचुरली नॉर्मली नहीं बढ़ेंगे। तो जो आपके एक्सीडेंट्स हैं वो भी आपके लिए लाइफ के लेसन्स लेकर आते हैं, वो भी आपके लिए लर्निंग लेकर आते हैं। अच्छा समय हो, बुरा समय हो, ये कुछ नहीं होता डियर फ्रेंड्स। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ हम तो बहुत लकी हैं, मैं तो जो भी जहाँ पर भी हाथ डालता हूँ सोना बन जाता है, मैं तो तांबे को भी हाथ लगाता हूँ तो सोना बन जाता है, मैं बहुत लकी हूँ। लक फ्रेंड्स कुछ नहीं होता, लक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हम लोगों को एक और भी आदत है, हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं किस्म थिंकिंग और डेस्टिनी कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे को तो थिंकिंग से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो थिंकिंग है सो है। तो हमको क्या, हमको हमारा जो धर्म है वो क्या इनकरेज करते हैं, या हमारे जो पेरेंट्स हैं, या जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो क्या इनकरेज करते हैं, इस बात को बोलना कि किस्मत ही ऐसी है, किस्मत डेस्टिनी ऐसी है ना। तो अगर किस्मत हम पहले से ही लिखवा के लाए हैं तो हमको बदलने की ज़रूरत क्या हुई, तो हम उसको बदल ही नहीं सकते। ये हमारा एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि जो किस्मत है वो बनी हुई है, लिखा हुआ है। लोग, बहुत सारे लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं और अपना जन्म पत्री वगैरह दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, पूछते हैं क्या 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 कैसे कैसे होना है। तो क्या क्या ये है कि आपकी जो बिल्कुल आप सेट इन स्टोन है कि अब ये लिखा हुआ है तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता डियर फ्रेंड्स। आप अपने विचारों से चीज़ को बदल सकते हैं, उसका रुख को थोड़ा बदल सकते हैं। हाँ, जो आपके पहले वाले बुरे कर्म हैं, बुरे थॉट्स हैं जो आपके, वो आपको रोक सकते हैं, आपकी जर्नी को स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन वो आपको स्टॉप नहीं कर सकते। मुझे योगानंदा जी की बात याद आती है, योगानंदा जी की बहुत अमेजिंग बुक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी शायद, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथामृत हिंदी में है। तो योगानंदा जी कहते हैं कि मैंने भी अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाया और मैंने क्या फाइंड आउट किया कि मेरे बहुत बुरा समय जो था ना, जो ज्योतिषी जो बोलते थे कि हाँ आपका ये बहुत बुरा समय चल रहा है, उसी समय पर मैं कुछ कुछ चैलेंज ले लेता था, हाँ कि मैं ये करूँगा, समय बुरा हुआ तो क्या हुआ, मैं करूँगा। और फ्रेंड्स उन्होंने कहा कि हाँ मुझे दिक्कतें आई, मुझे चैलेंजेस आए उस काम को करने में, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसको किया। ये फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं मास्टरी, कि आपको, आप बहुत बड़ी पावर हैं, बहुत बड़ी ताकत हैं, आप रियलाइज़ नहीं करते। और योगानंदा जी ने इस खूबसूरत किताब के ज़रिए हमको यही बात बताई कि हाँ ये तो उन्होंने चैलेंज लिया ना, वो बैठ तो नहीं गए डर के कि अरे ये समय बहुत ख़राब है, मुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, या मुझे अपना स्कूल नहीं खोलना चाहिए, या वो जो भी कुछ करना चाहते थे, ये विचार उनके मन में बिल्कुल नहीं आया। क्या विचार आया कि अच्छा बुरा समय है तो देखते हैं, लेट्स टेक द चैलेंज। ये एटीट्यूड डिफरेंस, ये है आपका, यहाँ पे आपका जो लॉ ऑफ थॉट है वो आपको, आपको फिर क्या ही करेगा, है ना। आपने अपने इतना सुंदर तरीके से उसको ट्रांसम्यूट कर लिया, वो जो लोअर एनर्जीज होती हैं आप उनको भी ट्रांसम्यूट कर लेते हैं अपने विचारों से, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ थॉट जो है, बुरी किस्मत, अच्छी किस्मत कुछ नहीं है, सब कुछ लॉ ऑफ थॉट है। आपके रिलीजन में भी आपको थोड़ा बहुत लॉ ऑफ थॉट सिखाया जाता है ना, दबा दबा दबे दबे आवाज़ में आपको पता चलता है कि ये करो ये मत करो, स्टोरीज़ के थ्रू आपको बताया जाता है। अब बड़े मज़े की बात ये है कि जो आप हैं, आप सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, ठीक है, आप ट्रायून सेल्फ हैं। ट्रायून का क्या मतलब, तीन, आपके थ्री पार्ट्स हैं, आपके थ्री कंपोनेंट्स हैं, जो आप पूरे हैं, बहुत विशाल हैं, बहुत मैग्निफिसेंट हैं, और वो आप पूरे इस शरीर में नहीं हैं। तो वो तीन पार्ट्स कौन से हैं फ्रेंड्स, एक पार्ट है डूअर, करने वाला, कर्ता, वो आपके शरीर में है, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका थिंकर, तीसरा पार्ट है आपका, थिंकर मतलब सोचने वाला, और तीसरा पार्ट है आपका नोअर, नोअर मतलब सब कुछ जानने वाला। ये आप तीन पार्ट्स हैं। अब ये जो आपका जो डूअर है ना, वो तो धरती में फंस गया,
उसको लगता, अब उसको क्या लगता है, डुअर भूल गए कि मैं डुअर हूँ। उसको लगता है मैं ये शरीर हूँ, मैं ये सेंस ऑर्गन्स हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, मैं बहुत बुरा दिखता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं एक कुछ भी हूँ। आप शरीर के साथ टोटल आइडेंटिफिकेशन करते हैं। डुअर भूल गया कि वो कौन है, वो अपने मैग्निफिसेंस को बिल्कुल भूल चुका है। तो जो बाकी का पार्ट है, जो हमारा जो थिंकर है, वो हमारी बॉडी में डिविनिटी की प्रेजेंस है। डिवाइन जो है हमारी बॉडी में, वो हमारा थिंकर है। आपकी बॉडी से वो सिर्फ कॉन्टैक्ट करता है। तो आपका थिंकर आपको कॉन्स्टेंटली एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है कि याद करो, तुम जो दिख रहे हो वो तुम नहीं हो, तुम इससे कहीं बड़े हो। अब ये जो छोटा बच्चा ना, उसको पहले आप उसकी उंगली पकड़ कर चलाते हैं, फिर वो बच्चा खुद चलने लग जाता है, फिर वो बच्चा भागने लग जाता है। वही स्टोरी हमारी है डियर फ्रेंड्स, कि हम वो बच्चे हैं जिसका हमारे डुअर ने हाथ, जिसने जिसका थिंकर ने हाथ पकड़ा हुआ है, उंगली पकड़ी हुई है, वो जानता नहीं है इस बात को। तो आपका जो डुअर है, वो आपको जो थिंकर है, वो आपको कॉन्स्टेंटली एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है। रिलीजन के थ्रू भी, रिलीजन में भी कुछ कुछ स्टोरीज के थ्रू आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है। जो आपका रिलीजन है, वो आपके लिए सिर्फ एक स्टॉपेज पॉइंट है। जिस भी आप स्टेज पे हैं अपनी ग्रोथ के, वो आपके लिए सिर्फ स्टेशंस हैं। वहाँ पर रुकना नहीं है हमको, हमको आगे बढ़ना है। कब तक? और हमको रियलाइज करना है कि हमारे अंदर वो लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है, कि हम ये सिर्फ डुअर नहीं है, हम सिर्फ फीलिंग डिजायर नहीं है, हम बहुत विशाल हैं। हमारा जो डुअर, हमारा जो थिंकर है, वो हमको कॉन्स्टेंटली एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है कई कई तरीके से। रिलीजन भी, धर्म भी उनमें से एक तरीका है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड और उसकी लर्निंग्स सुंदर लगी होंगी और वो आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगी। अल्टीमेट एम है कि हम सब ग्रो करें, हम जो कल थे वो हम आज ना हों, उससे हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ना ही हमारा नियम है और हमारी नियति है। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ़ यू।